देश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। विशेष तौर से देखिए, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली का इंतजार राज्य के सरकारी कर्मचारियों में बना हुआ है। अप्रैल से इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, यह दावा यहां कांग्रेस सरकार की ओर से हुआ था। लेकिन फिलहाल एसओपी और रूल्स को लेकर अभी तक प्रक्रिया कहां पहुंची है, यह अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। साथ ही साथ सीएम सुक्खू के दौरे को लेकर भी जानकारी देंगे, क्यों इन्हें सूरत जाना पड़ा है और क्या कुछ इन्होंने वहां पर मीडिया को कहा है अपनी स्टेटमेंट देते हुए, यह भी अपडेट हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। कैबिनेट के एजेंडा तैयार हो चुके हैं, क्योंकि अगले कल ही सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में ये कैबिनेट बैठक भी बुलाई गई है। फिलहाल कौन से बड़े फैसले हो सकते हैं भर्तियों से संबंधित भी, ये अपडेट हम आपको देने वाले हैं। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि आज फिर अधिकांश क्षेत्रों में मौसम काफी ज्यादा खराब रहा। सुबह से लेकर बारिश की बौछारें देखने के लिए मिली है। ऊपरी क्षेत्रों में कुछ एक जगहों पर हल्का हिमपात भी हुआ है। हालांकि देखिए, ओलावृष्टि को लेकर अगले कल के लिए अलर्ट यहां जारी किया गया है। शिमला समेत ऊपरी क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है, इसमें ओलावृष्टि, बर्फबारी और बारिश के आसार जताए गए हैं। निचले इलाकों में पिछले हफ्ते से जिस तरह से लगातार बारिश का सिलसिला जारी था, तो गेहूं की फसल पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। किसान बागवान काफी ज्यादा परेशान चल रहे हैं इसी समस्या की वजह से। पहले तो देखिए बारिश को लेकर इंतजार बना हुआ था, लेकिन जब बारिश हुई तो इतनी ज्यादा हो गई कि अब गेहूं की फसल सड़ने के आसार यहां पर जताए जा रहे हैं। वैसा ही कुछ ऊपरी क्षेत्रों में भी है अभी, क्योंकि फ्लावरिंग की फर्स्ट स्टेज चल रही है और ये भी प्रभावित हो सकती है। तो बागवानों के लिए एक तरह से मौसम कहीं ना कहीं राहत बनकर सामने नहीं आ रहा है। अगली बात करना चाहेंगे उन छात्रों से जुड़ी जो कि सिविल इंजीनियर्स हैं, जिन्होंने अपनी डिग्रियां पूरी कर ली है और 5 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। फिलहाल इन्हें लेकर विभागों में भर्तियां नहीं निकाली जा रही है, जबकि विभागों में पद खाली पड़े हैं। यह आरोप यहां पर इन सिविल इंजीनियर्स की ओर से लगाया जा रहा है। पिछले 5 वर्षों से क्योंकि इंतजार में बैठे हैं, अब वर्तमान सरकार से उम्मीद लगाकर ये बैठे हैं कि विभिन्न विभागों में इनके लिए पोस्टें निकाली जाएंगी। दरअसल जूनियर इंजीनियर, कनिष्ठ अभियंता जैसे जो पद खाली पड़े हैं, उन्हें जल्दी भरा जाए, ये बात इनकी ओर से कही जा रही है। पद खाली है, लेकिन इन्हें भरने का कार्य ना तो पूर्व सरकार की ओर से किया गया और अभी वर्तमान सरकार भी इस पर कोई गौर नहीं कर रही है। तो इस पर इन्होंने काफी ज्यादा नाराजगी जताई है और साथ ही साथ ये उम्मीद भी जताकर बैठे हैं कि अगले कल जो कैबिनेट बैठक होगी उसमें इनकी भर्तियों से संबंधित कोई अच्छी खबर निकलकर सामने आएगी। लोक निर्माण विभाग में, जल शक्ति विभाग में और पंचायती राज विभाग में लगभग 400 से अधिक पद खाली पड़े हैं जो कि जूनियर इंजीनियर कनिष्ठ अभियंता के हैं। तो इस बीच इनकी ओर से यह डिमांड उठाई जा रही है कि डिग्री इन्होंने हासिल कर ली है, अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली है, महज अब यहां पर नौकरियों के इंतजार में ये बने हुए हैं। इस बीच अगर इनके लिए ये पोस्टें निकाली जाएंगी तो जल्दी ही इन्हें फिर यहां नौकरी मिल पाएगी और अपने परिवार का गुजारा ये कर पाएंगे। अगली बात हम शिक्षकों से जुड़ी करना चाहेंगे, क्योंकि हाल ही में आदेश जारी हुए हैं वर्तमान सरकार की ओर से कि जो शिक्षक डेप्यूटेशन पर सेवाएं दे रहे हैं, इनकी डेप्यूटेशन को रद्द कर दिया जाए। ये इसलिए आदेश जारी हुए हैं ताकि दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी को पूरा किया जा सके, यानी कि इन शिक्षकों को वहां भेजा जा सके और वहां के छात्रों को भी गुणवत्ता भरी पढ़ाई प्रदान की जा सके। लेकिन इससे विपरीत यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। इसे हम एक तरह से शिक्षा विभाग की मनमानी भी कहना चाहेंगे और लापरवाही भी, क्योंकि ठीक 2 दिन पहले ही अभी इस तरह के आदेश वर्तमान सरकार की ओर से जारी हुए हैं कि डेप्यूटेशन पर चल रहे शिक्षकों की सेवाएं एक तरह से रद्द कर दी जाए और इन्हें ऐसे क्षेत्रों में भेजा जाए जहां पर शिक्षकों की काफी कमी है और छात्रों को भी जरूरत है अपने टीचर्स की। लेकिन ऐसा ना होते हुए शिक्षक अभी से ही चक्कर काटने लग गए हैं शिक्षा विभाग के और ये डेप्यूटेशन में एक्सटेंशन मांग रहे हैं। और इतना ही नहीं, विभाग की ओर से भी इन्हें एक्सटेंशन दिया जा रहा है। तो सवाल इस पर यह उठता है कि एक और तो आदेश जारी हुए, अभी 2 दिन भी नहीं हुए हैं कि डेप्यूटेशन में जो सेवाएं दे रहे हैं शिक्षक उसे रद्द किया जाए, दूसरी ओर एक्सटेंशन मांग रहे हैं और एक्सटेंशन विभाग दे भी रहा है। यानी कि जो बात यहां पर वर्तमान सरकार की ओर से कही जा रही है उस पर अमल तो नहीं किया जा रहा है विभाग की ओर से। तो एक तरह से ये मनमानी भी कहना चाहेंगे, बड़ी खबर क्योंकि हम ये कहना चाहेंगे निकलकर सामने आई है। गुणवत्ता बढ़ाने की बात यहां पर स्कूलों में हो रही है, लेकिन संभव कैसे होगा जब तक वहां शिक्षक नहीं होंगे। शिक्षकों की कमी पूरा होना एक तरह से काफी ज्यादा जरूरी है। देखिए, यूं तो काफी स्मॉल पीरियड रहता है डेप्यूटेशन पर शिक्षकों का, लेकिन यहां कुछ ऐसी भी संख्या है शिक्षकों की जिन्होंने 8-8 साल डेप्यूटेशन पर ही पूरे कर लिए हैं। तो इस बीच ये यहां पर सोचा गया था और एक तरीका निकाला गया था कि क्यों ना इन शिक्षकों को हटाया जाए और ऐसे क्षेत्रों में भेजा जाए जहां पर इनकी ज्यादा आवश्यकता है। लेकिन ऐसा ना होते हुए परिस्थितियां फिलहाल पलटती हुई एक तरह से नजर आ रही हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों से जुड़ी भी अपडेट देंगे, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और चंबा अस्पताल में जो कार्यरत थे आउटसोर्स कर्मचारी, 2020 में देखिए इन्हें नियुक्तियां दी गई थी कोविड के दौरान, तब से लेकर अब तक अपनी सेवाएं दे रहे थे। फिलहाल इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, यानी कि इनकी नौकरियां भी अब जा चुकी हैं और वो इसलिए क्योंकि एग्रीमेंट इनका खत्म हो गया था। आज जैसे ही इन्होंने अपने अपने कार्यालय में प्रवेश करने की कोशिश की तो प्रवेश करने से इन्हें रोक दिया गया और साथ ही साथ ये कहा कि इनकी सेवाएं समाप्त हो चुकी है। तो ये काफी परेशान है, क्योंकि 80 इसमें नर्सें हैं और 150 बाकी के कर्मचारी हैं जिनकी सेवाएं समाप्त होने का मामला सामने आया है। बिल्कुल वैसा ही दौर अभी ने भी देखना पड़ रहा है जैसा जल शक्ति विभाग से निकाले आउटसोर्स कर्मचारियों को देखना पड़ रहा है। 31 मार्च को स्वास्थ्य क्षेत्र में इन सभी का एग्रीमेंट खत्म हो चुका है। अब ऐसे में एक्सटेंशन को लेकर ये उम्मीद जता रहे हैं, लेकिन एक्सटेंशन पर कोई भी मंत्री अपनी बात स्पष्ट तरीके से कहता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी कहीं ना कहीं एक ही बात पर फोकस कर रहे हैं कि पॉलिसी बनाई जाएगी। अब ये पॉलिसी कब बनाई जाएगी, कैसे बनाई जाएगी, इसका प्रारूप क्या होगा, इस पर कोई भी बात नहीं हो रही है। महज पॉलिसी बनाई जाएगी इतना कहा जा रहा है। और ये जो पॉलिसी बनाई जाएगी, क्या महज उन आउटसोर्स कर्मचारियों
के लिए होगी जो कि आने वाले समय में तैनात होंगे, या फिर जो अभी पहले से लेकर आउटसोर्स कर्मी तैनात हैं और जिनका एग्रीमेंट खत्म हो चुका है, इन्हें भी यहां पर कोई राहत प्रदान की जाएगी इस पॉलिसी के जरिए, इस पर भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। तो काफी ज्यादा परेशान आउटसोर्स कर्मचारी भी चल रहे हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की ओर से ही ये जानकारी भी आज दी गई है कि 2008 से 2012 के बीच 17 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खुली हैं, इसमें 90% डिग्रियां एकदम फर्जी पाई गई हैं, यानी कि जो खरीदने का काम यहां डिग्रियों को लेकर हुआ है, और 21 लोगों के ऊपर इसमें मामले भी दर्ज हुए हैं। ये 21 लोग वो थे जिन्होंने आगे डिग्रियां बेचने का काम किया है। एक एक डिग्री 4 से 5 लाख रुपए में भी यहां बिकी है। केवल हिमाचल प्रदेश के लोगों को ये डिग्रियां नहीं बेची गई हैं, बल्कि बाहरी राज्यों और बाहरी देशों के लोगों को भी 4 से 5 लाख रुपए में एक एक डिग्री बेची गई है, और इस डिग्री को फर्जी डिग्री का नाम दिया जा रहा है। तो आज इन्होंने मांग ये उठाई है कि सीबीआई जांच में यह मामला आना चाहिए। विशेष तौर से मानव भारती विश्वविद्यालय को लेकर इन्होंने एक बात कही है कि जो इस विश्वविद्यालय का संचालक था राजकुमार राणा, उनके ऊपर पहले ही फर्जीवाड़े को लेकर कई तरह के मामले दर्ज थे, न केवल हिमाचल में बल्कि हरियाणा में भी। तो उसके बावजूद कैसे उसे फिर मानव भारती विश्वविद्यालय चलाने की अनुमति दे दी गई, और जब अनुमति दी गई तो उसके बाद यहां करोड़ों के हिसाब से उसने फर्जी डिग्रियां बेची हैं, इतने ज्यादा पैसे कमाए हैं, अभी भी खुलेआम वो घूम रहा है। एक तरह से सख्त कार्यवाही जो है इन लोगों के खिलाफ यहां पर नहीं हो पाई है। देखिए, एक आंकड़ा यहां पर राजेंद्र राणा की ओर से भी रखा गया है कि 41,480 डिग्रियों की जांच की गई है, और इनमें से 36,024 डिग्रियां फर्जी पाई गई हैं, और केवल एक ही विश्वविद्यालय की बात नहीं है। जैसा कि हमने कहा कि 2008 से 2012 के बीच 17 के करीब विश्वविद्यालय खुले हैं, और 17 विश्वविद्यालयों में कुछ ना कुछ संख्या निकल यहां जरूर सामने आई है। मानव भारती विश्वविद्यालय में हालांकि 90% ऐसी डिग्रियां पाई गई थी जो कि फर्जी तरीके से ही आगे बेची गई हैं, लेकिन साथ ही साथ मंडी विश्वविद्यालय को लेकर भी यहां सवाल उठ गए हैं। हालांकि यहां डिग्रियों को लेकर ये सवाल नहीं उठाए गए, बल्कि भर्तियों को लेकर सवाल उठे हैं। और ये देखिए, विधायक राजेश धर्माणी ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के जरिए अपनी बात कही है। इनका यह मानना था कि मंडी विश्वविद्यालय यह सोचकर तैयार किया गया था कि एक क्लस्टर के तौर पर यह तैयार होगा, 5 से 6 जिलों के छात्र वहां आ सकेंगे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का बोझ भी कम होगा और छात्रों को भी इतनी दूर अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए नहीं आना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है और वहां पर भर्तियों में फर्जीवाड़ा हुआ है। एक ही संस्था के लोगों को वहां भर्तियां प्रदान की जा रही हैं, यूजीसी के नियमों का पालन नहीं हो रहा है, और जिस वीसी को वहां तैनात किया गया है वो भी इसे लेकर पूरी तरह से शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं करते हैं अपने पद को लेकर। और दूसरी बड़ी बात, उन्होंने स्टाफ की भर्तियों को लेकर कही है कि जो स्टाफ भी वहां तैनात किया गया है एक ही संस्था से जुड़ा वो स्टाफ है, यानी कि इशारा एक तरह से उन्होंने आरएसएस की ओर करना चाहा है कि भाजपा ने अपने लोगों को वहां पर भर्तियां देनी चाहिए, अप्रोच सिस्टम से वहां पर भर्तियां चल रही है, तो ये जांच का विषय है, इस पर भी जांच होनी चाहिए, ये मांग इन्होंने उठाई है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का कहना था कि अगर इस तरह का सवाल सामने आया है तो जरूर इस पर सोच विचार किया जाएगा। जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों को लेकर भी अगर जानकारी दे तो इनका भी एक प्रतिनिधिमंडल आज विधानसभा पहुंचा था, और दो ही मांगे इनकी ओर से उठाई जा रही है। एक तो ये कि पंचायती राज विभाग में इन्हें मर्ज किया जाए, और दूसरी बड़ी बात ये कह रहे हैं कि छठे वेतन आयोग का लाभ इन्हें अभी तक नहीं मिला है। बाकी विभागों में कॉर्पोरेशन में जब यह लाभ मिल सकता है कर्मचारियों को, तो इन्हें क्यों नहीं दिया जा रहा है, काफी नुकसान इन्हें हो रहा है। आज ये विधानसभा आए थे, हालांकि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से तो इनकी मुलाकात नहीं हो पाई है, लेकिन मंत्री अनिरुद्ध सिंह राणा से मिलकर जरूर इन्होंने अपनी बात कही है। आश्वासन इन्हें मिला है कि जल्दी ही एक कमेटी का गठन कर इनकी इस मांग पर गौर किया जाएगा। कमेटी का गठन खैर पहले भी हुआ था, लेकिन अभी तक इनकी मांग पर कोई गौर नहीं हो पाया है, लेकिन वो बात भी पूर्व सरकार के समय की थी, तो अब ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं वर्तमान सरकार से कि इनकी मांग पर कुछ होने वाला है। ओपीएस को लेकर अगर हम आपको जानकारी दें तो देखिए, फिलहाल रूल्स को लेकर यहां फाइल कंप्लीट हो चुकी है, लॉ विभाग के पास ये फाइल गई थी रूल्स तैयार करने के लिए, और इन दिनों यहां पर अभी अधिसूचना को लेकर तैयारी की जा रही है। दरअसल हिंदी ट्रांसलेशन में अधिसूचना तैयार हो रही है 2 पैराग्राफ की, क्योंकि अधिसूचना भी जल्दी ही जारी होने वाली है। 2003 से जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं या कार्यरत कर्मचारी हैं उन सभी को विकल्प दिया जाएगा कि उन्हें एनपीएस में ही रहना है या फिर ओपीएस के दायरे में आना है, लेकिन 1 अप्रैल 2023 के बाद जो भी कर्मचारी अब नियुक्त होंगे वो सीधे ओपीएस के दायरे में ही आने वाले हैं। तो ये हम बड़ी बात कहना चाहेंगे। और कॉन्ट्रीब्यूशन को लेकर अगर आपको जानकारी दें तो देखिए, अप्रैल में अभी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं कटने वाला है सैलरी से इन कर्मचारियों की। हालांकि जो मार्च के महीने में कंट्रीब्यूशन था वो जरूर कट गया है, अभी जो इनकी सैलरी आई है मार्च के महीने की उसमें कंट्रीब्यूशन गया है भारत सरकार के पास, जो कि पहले से लेकर जा रहा था, लेकिन अभी कंट्रीब्यूशन कटना भी यहां बंद हो जाएगा। और एसओपी को लेकर अगर हम आपको जानकारी दे तो ये जो अभी फिलहाल लॉ विभाग के पास फाइल गई है ये महज रूल्स को लेकर गई है, ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। एसओपी को लेकर फाइल फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास ही रहने वाली है, क्योंकि इसमें सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को लेकर ही खास ध्यान दिया जाएगा। तो यानी कि एसओपी की और रूल्स की प्रक्रिया एक तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट्स के पास है। लॉ डिपार्टमेंट के पास केवल रूल्स गए हैं कि किस तरह के नियम इसके लिए तैयार होंगे, दूसरी ओर एसओपी है जिसमें कुछ एक इंस्ट्रक्शंस यहां पर जारी की जाएगी, एक तरह से बैकअप ये तैयार किया जाएगा आने वाले समय के लिए इन्हीं कर्मचारियों को लेकर। तो ये फिलहाल फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास है पूरा मामला। अब जब तक यहां एक तरह से एसओपी तैयार नहीं हो जाती है, जाहिर सी बात है अधिसूचना पूरी तरह से जारी नहीं हो पाएगी, भले ही अधिसूचना को लेकर अभी यहां तैयारी हो रही है। और जैसा कि हमने कहा कि 2 पैराग्राफ की अधिसूचना होगी, हिंदी ट्रांसलेशन में इसे तैयार किया जा रहा है, जल्द ही अब वो समय आने वाला है जब अधिसूचना भी जारी होगी और ओपीएस एक तरह से बहाल हो पाएगी। लेकिन 3 बातों का ध्यान इसमें जरूर देना होगा, एक एसओपी का, एक रूल्स का, जब ये पूरी तरह से तैयार होंगे उसके बाद ही यहां पर अधिसूचना निकलकर सामने आ पाएगी। फिलहाल के लिए यही जानकारी, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ।